तो आज हम बात करेंगे ड्रॉप टू वॉइसिंग्स के बारे में, फर्स्ट फोर स्ट्रिंग्स पे, और हम लोग 251 सी मेजर की में प्लॉट करेंगे। अगर ये टू मच थ्योरी लग रही है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोग सी मेजर की में 251 कॉर्ड प्रोग्रेशन को प्लॉट करेंगे फर्स्ट फोर स्ट्रिंग्स में ड्रॉप वॉइसिंग्स यूज करके। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्ली हमें पुराने लेसन देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि 251 प्रोग्रेशन क्या होगा सी मेजर की में। अगेन, मैंने इस 251 के ऊपर एक लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जाकर उसको देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि 251 होता क्या है। 251 बेसिकली एक बहुत ही कॉमन प्रोग्रेशन है जो हर जाज स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा, अपने प्योर फॉर्म में नहीं तो अपने किसी ऐसे फॉर्म में जहां पे उसका सब्स्टिट्यूशन होगा किसी कॉर्ड का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी मेजर की में 2, 5 और 1 क्या होता है। तो अगर मैं सी मेजर की में सारी कॉर्ड्स उसकी बजाऊं मेजर स्केल की तो होंगी सी मेजर 7, डी माइनर 7, ई माइनर 7, एफ मेजर 7, जी 7, ए माइनर 7, बी माइनर 7 फ्लैट 5 और सी मेजर 7 जो कि है 1 मेजर 7, 2 माइनर 7, 3 माइनर 7, 4 मेजर 7, 5 डोमिनेंट 7, 6 माइनर 7 होती है हमेशा और 7 होती है हाफ डिमिनिश या फिर माइनर 7 फ्लैट 5। इसमें से 2, 5 और 1 निकालना है हमें, तो अब वो हो जाएगा डी माइनर 7 जो कि हो गया 2, 5 हो जाएगा आपका जी 7 जो कि आप यहां पे पकड़िए बिकॉज आप यहां से यहां तक भागेंगे, उससे अच्छा है कि आप यहां से यहां पे शेप पकड़ लीजिए, और फिर फाइनली 1 जो कि होगी मेजर 7 जो कि होगी सी मेजर 7। तो डी माइनर 7 गोइंग टू जी 7 गोइंग टू सी मेजर 7। इस वन कॉर्ड के रेजोल्यूशन के बाद मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो आगे बनाने का, इसलिए भी क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद वीडियो आगे चलेगा। वैसे चलेगा तो है ही आगे वीडियो, क्योंकि मैं धोखा देने में बिलीव नहीं करता हूं। तो एनीवे आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारी कॉर्ड्स के फर्स्ट फोर स्ट्रिंग्स पे ड्रॉप वॉइसिंग यूज करके क्या शेप्स आते हैं। ड्रॉप वॉइसिंग के बारे में मैंने पहले भी बात करी अपने लेसन्स में, क्योंकि ड्रॉप वॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग जैज सीख रहे हैं उनको ये डेफिनेटली ये वाली वॉइसिंग्स जो आज हम डिस्कस करेंगे आनी चाहिए। ये वॉइसिंग्स ऑब्वियसली आप बाकी कॉर्ड प्रोग्रेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बट जैज में ये वाली वॉइसिंग्स काफी यूज होती हैं गिटार पे। तो सबसे पहले हमें जो कॉर्ड्स हैं जो देखनी है वो है डी माइनर 7, जी 7 और सी मेजर 7। तो डी माइनर 7 के जो 4 इन्वर्जन आएंगे फर्स्ट फोर स्ट्रिंग्स पे, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहला जो शेप आएगा, क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो सबसे पहला जो शेप आएगा वो होगा ये। यहां पे हम देख लेते हैं कि कॉर्ड टोन्स क्या क्या हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है माइनर 3rd, ये आपका है माइनर 7th, ये आपका है रूट और ये आपका परफेक्ट 5th। फ्लैट 3, फ्लैट 7, रूट और परफेक्ट 5th। तो फ्लैट 3, फ्लैट 7, रूट और परफेक्ट 5th, तो मतलब आपका हो गया एफ सी डी और ए। इस वॉइसिंग के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसमें परफेक्ट 5th के इंटरवल्स बनते हैं आपके, जैसे कि आपका जो फ्लैट 3 और फ्लैट 7 है इसके बीच में परफेक्ट 5th का इंटरवल है, और ये जो आपका रूट है और परफेक्ट 5th में परफेक्ट 5th का इंटरवल तो होता ही है। नेक्स्ट वॉइसिंग पे चलते हैं जो कि होगी ये, जो कि है आपका क्वार्ट टोन्स। अगर मैं बताऊं तो यह आपका है परफेक्ट 5th, यह है आपका रूट, यह है आपका माइनर 3rd या फ्लैट 3 और यह है आपका फ्लैट 7। सो 5, 1 फ्लैट 3, फ्लैट 7। अब यहां पे देखिए कि फ्लैट 3 और फ्लैट 7 में परफेक्ट 5th का इंटरवल तो यहां पे बन रहा है, लेकिन 5 और 1 में इंटरवल फ्लिप हो गया। इंटरवल इन्वर्जन अगर आपको पता है तो यहां पे जैसे आपने देखा था कि 1 और 5 में परफेक्ट 5th का इंटरवल है, अब यहां पे 5 और 1 में परफेक्ट 4th का इंटरवल हो गया है। एनीवे चीजें नोटिस करनी चाहिए बिकॉज जब आप पार्ट राइटिंग करेंगे, 4-part हार्मनी में घुसेंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नोट्स इन्वर्ट होके किस टाइप की इंटरवल बनाते हैं। तो ये हो गया आपका माइनर 7 का दूसरा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये डी माइनर 7। ये सिंपल, काफी सिंपल शेप है, लेकिन उसमें मैं कॉर्ड टोन्स बता देता हूं। ये है फ्लैट 7, फ्लैट 3, परफेक्ट 5th और रूट। अब देखिए फ्लैट 7 और फ्लैट 3 में यहां पे सही होने वाला इंटरवल, मतलब या फिर परफेक्ट 4th का इंटरवल हो गया, क्योंकि फ्लैट 3 और फ्लैट 7 में, मतलब अगर फ्लैट 3 नीचे है और फ्लैट 7 उसके ऊपर है तो वो परफेक्ट 5th का इंटरवल है। अब ये जब फ्लिप हो जाएंगे तो फ्लैट 7 अगर नीचे हो जाएगा और फ्लैट 3 उसके ऊपर हो जाएगा तो यहां पे परफेक्ट 4th का इंटरवल बन जाएगा। 5th हमेशा इन्वर्ट करता है 4th पे, ये पता होना चाहिए आपको।
तो फ्लैट 7, फ्लैट 3, 5 और 1, अगेन यहाँ पे 5 और 1 में भी अब उल्टा इंटरवल बन गया, क्योंकि जो कि यहाँ पे था 5-1 था ये, और ये 5-1 यहाँ पे आ गया। तो उसका मतलब ऑब्वियसली आपको जब पकड़ना होगा तो आप उसको सीधे सीधे बार करके ऐसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, जो कि होगा ये, यहां पर जो इंटरवल्स हैं वो हैं 1, परफेक्ट फिफ्थ, फ्लैट 7 और फ्लैट 3। तो 1, 5, फ्लैट 7, फ्लैट 3। तो जो चारों शेप्स आएंगे वो होंगे ये D-7, D-7, D-7 और D-7। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें जब भी आपको इसमें आपको ध्यान ये रखना है हमेशा की तरह कि कॉर्ड टोन्स पता हो आपको। वन तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हर शेप में कहाँ कहाँ पे है। जैसे अगर मैं ये शेप पकड़ाऊँ तो मुझे पता है कि इसमें वन यहाँ पे है, अगर मैं ये शेप पकड़ाऊँ तो मुझे पता है इसमें वन यहाँ पे रूट मतलब, और अगर मैं ये शेप पकड़ाऊँ तो मुझे पता है कि वन इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग पे है, अगर मैं ये शेप पकड़ाऊँ यहाँ पे तो मुझे पता है कि वन इसमें जो है आपका फोर्थ स्ट्रिंग पे है। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट शेप्स की तरफ चलते हैं, जो कि हो गए जी में, जो कि होगा जी सेवन का। जी सेवन के भी यहाँ पे चार शेप्स आएंगे तो वो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला जो शेप जी सेवन का आएगा वो होगा ये, जो कि है फ्लैट 7-3-5-1, फ्लैट 7-3-5-1। अब क्योंकि ये जी सेवन कॉर्ड है, डोमिनेंट कॉर्ड में हमेशा 3 और फ्लैट 7 के बीच में ट्राइटोन का इंटरवल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी ट्राइटोन बना रहे हैं कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एज अ 3 और फ्लैट 7 एक्ट कर सकती है किसी भी कॉर्ड के। तो मान लीजिए हमने ये नोट पकड़ा हुआ है इस शेप में, तो मैंने बता ही दिया आपको ये फ्लैट 7 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 1 है। अब इसमें ये फ्लैट 7 है, ये 3 है, अगर इनको हम फ्लिप करेंगे, इनका इंटरवल इन्वर्ट करेंगे तो भी ये फ्लैट ये 3 और ये फ्लैट 7 हो जाएगा, ये भी ट्राइटोन का इंटरवल रहेगा। तो फ्लैट 7 और फ्लैट 3 में हमेशा ट्राइटोन का इंटरवल रहेगा, उसको अगर आप इन्वर्ट भी करेंगे तब भी आपको ट्राइटोन का इंटरवल ही मिलेगा। इस पॉइंट के बाद मैं ट्राइटोन सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने लगा था एट लेंथ, और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि ट्राइटोन सब्स्टिट्यूशन नहीं है टॉपिक हमारे वीडियो का। वीडियो का टॉपिक है 251 कॉर्ड प्रोग्रेशन के इन्वर्जन ड्रॉप वॉइसिंग्स में, तो फिर मैंने वो पूरा का पूरा पार्ट इस वीडियो से हटा दिया है। तो एनीवे हम लोग कर रहे थे G7 के शेप, सबसे पहला G7 का शेप जो था वो आया था ये। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, जो कि होगा ये, यहां पे जो कॉर्ड टोन्स हैं वो हैं 1-5 फ्लैट 7 और मेजर थर्ड, 1-5 फ्लैट 7 मेजर थर्ड। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो फ्लैट 7 है और मेजर थर्ड है वहां पे वो ट्राइटोन का इंटरवल बन ही रहा है, यहां पर भी बन रहा था, यहां पर भी बन रहा है। तो हमेशा पहले की तरह जहां पे 3 और 7 का इंटरवल इन्वर्ट हो जा रहा था, फ्लैट 3 और फ्लैट 7 परफेक्ट फिफ्थ का था और फ्लैट 7 और फ्लैट 3 में परफेक्ट फोर्थ का हो जाएगा, वो चीज यहां पे नहीं हो रही। यहां पे ट्राइटोन का इंटरवल हमेशा फ्लिप होके भी ट्राइटोन का इंटरवल ही बनाता है, 1-5 फ्लैट 7 और मेजर थर्ड, 1-5 फ्लैट 7-3। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, जो कि होगा ये, यहां पे जो कॉर्ड टोन्स है वो है मेजर थर्ड, फ्लैट 7, रूट और परफेक्ट फिफ्थ, मेजर थर्ड, फ्लैट 7, रूट और परफेक्ट फिफ्थ। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लैट की मेजर थर्ड और फ्लैट 7 में ट्राइटोन का इंटरवल है। और फिर अब आखिरी शेप पे चलते हैं, जो कि G7 का होगा, वो होगा ये, काफी सिंपल शेप है, सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। तो इसमें जो कॉर्ड टोन्स हैं वो है 5-1 मेजर थर्ड और फ्लैट 7, 5-1-3 फ्लैट 7, 5-1-3 फ्लैट 7। यहां पर भी 3 और फ्लैट 7 में ट्राइटोन का इंटरवल है। तो जो चारों शेप्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, G7, G7, G7 और G7। यहां पे भी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि रूट कौन सी स्ट्रिंग पे है। इस शेप में रूट है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, नेक्स्ट शेप जो है इसमें जो रूट है वो है आपका फोर्थ स्ट्रिंग पे, सबसे लोएस्ट वॉइस में है। नेक्स्ट आपका जो शेप है ये, इसमें आपका जो रूट है वो है सेकंड स्ट्रिंग पे यहाँ पे, और फिर जो लास्ट शेप बनेगा यहाँ पे वो है आपका, उसमें आपका रूट है ये। अब लास्टली हम लोग सी मेजर 7 के शेप्स के बारे में बात करते हैं।
तो सी मेजर सेवन के भी यहाँ पे चार शेप्स आएंगे। सबसे पहले से बताता हूँ जो फ्रेटबोर्ड की शुरुआत में आपको मिलेगा वो होगा ये, यहां पर जो कॉर्ड टोन्स है वो है 3 7 1 5, मेजर थर्ड, मेजर सेवन, वन और फाइव। तो नेक्स्ट शेप पे चलते हैं जो कि इसके बाद आएगा वो होगा ये, यहां पर जो कॉर्ड टोन्स है वो देख लेते हैं, यहां पर जो कॉर्ड टोन्स है वो है 5 1 मेजर थर्ड और मेजर सेवन। यहां पे देखने वाली बात ये है कि रूट और परफेक्ट फिफ्थ में तो परफेक्ट फिफ्थ का इंटरवल होता ही है, साथ में मेजर थर्ड और मेजर सेवन्थ में भी परफेक्ट फिफ्थ का इंटरवल होता है। जैसे फ्लैट थ्री और फ्लैट सेवन में परफेक्ट फिफ्थ का इंटरवल था, वैसे ही मेजर थर्ड और मेजर सेवन्थ में भी परफेक्ट फिफ्थ का इंटरवल रहता है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्री और मेजर सेवन है इन दोनों में परफेक्ट फिफ्थ का इंटरवल है। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं जो कि होगा ये, यहाँ पे जो इंटरवल्स होंगे वो होंगे मेजर सेवन्थ, मेजर थर्ड, परफेक्ट फिफ्थ और रूट। मेजर सेवन्थ, मेजर थर्ड, परफेक्ट फिफ्थ और परफेक्ट, सॉरी मेजर सेवन्थ, मेजर थर्ड, परफेक्ट फिफ्थ और रूट। यहां पर भी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरवल्स फ्लिप हो गए, क्योंकि सेवन्थ नीचे आ गया है थर्ड के, तो सेवन्थ और थर्ड में परफेक्ट फोर्थ का इंटरवल हो गया, और फाइव भी नीचे आ गया है फर्स्ट के, तो यहाँ पे फाइव और वन के बीच में परफेक्ट फोर्थ का इंटरवल हो गया। नेक्स्ट शेप जो आएगा सी मेजर सेवन का वो होगा ये, यहां पे जो कॉर्ड टोन्स है वो देख लेते हैं, यहां पे है रूट जो कि हो गया वन, ये हो गया परफेक्ट फिफ्थ, ये हो गया मेजर सेवन्थ और ये हो गया मेजर थर्ड। तो 1 5 7 3, 1 5 7 3, ये आपके कॉर्ड टोन्स हो जाएंगे इस शेप में। तो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं, सी मेजर सेवन, सी मेजर सेवन, सी मेजर सेवन और सी मेजर सेवन, इन सब में रूट का ध्यान रखना है। इस वाले शेप में रूट आपका यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट शेप है ये होल्ड करने के लिए, तो यहां पे रूट है आपका। नेक्स्ट शेप जो है 5 1, यहां पे थर्ड स्ट्रिंग पे रूट है आपका। नेक्स्ट शेप में फर्स्ट स्ट्रिंग पे रूट है और लास्ट शेप में फोर्थ स्ट्रिंग पे रूट है। अब जो है हम इन शेप्स को कंबाइन करेंगे, हम लोग वॉइस लीडिंग का ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि हमारी जो शेप्स है वो बहुत ज़्यादा मूव ना करें और हम लोग एक ही पोजीशन में रह के कितना पास पास तीनों कॉर्ड्स को बजा सकें, इस एम से हम लोग सारे शेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी माइनर सेवन के, जो पहला शेप हमने निकाला था जो कि होगा ये। अब इसका नियरेस्ट जी सेवन जो शेप है वो है ये डी माइनर सेवन, जी सेवन और फिर सी मेजर सेवन। तो शुरुआत से डी माइनर सेवन, जी सेवन, सी मेजर सेवन, जो कि हो जाएगा 2 5 1। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं जो कि होगा, सबसे पहले हम डी माइनर सेवन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारा प्रोग्रेशन 2 5 1 है। तो इस शेप के बाद डी माइनर सेवन का नेक्स्ट शेप आया था ये। अब इसके बाद देखते हैं कि जी सेवन का नियरेस्ट शेप क्या है, यह है डी माइनर सेवन, उसके बाद जी सेवन का शेप होगा ये। तो डी माइनर सेवन, जी सेवन और फिर सी मेजर सेवन का ये वाला शेप। तो 2 5 और फिर 1। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं डी माइनर सेवन के, जो कि होगा ये। तो ये आपका हो गया, इनको आप बार करेंगे ऑब्वियसली। फिर आपका जो 5 होगा, जी सेवन कॉर्ड जो होगी उसका शेप हम ये वाला यूज करेंगे। फाइनली सी मेजर सेवन, जिसका हम ये वाला शेप यूज करेंगे जो कि है 2 5 1। अब
आपकी कंफर्ट के हिसाब से आपको उसको थर्ड फिंगर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करना है, सेकंड फिंगर से स्टार्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में है और आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हैं। तो कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इस शेप को देखता हूँ, कभी ऐसे पकड़ लिया, कभी ऐसे पकड़ लिया, डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ मोस्टली। लास्ट शेप पे चलते हैं, डी माइनर सेवन का जो था ये, तो ये डी माइनर सेवन फाइव कॉर्ड जो होगी ये होगी, जो कि है जी सेवन और फिर फाइनली सी मेजर सेवन जो कि है, तो पूरा एक साथ प्ले करेंगे तो टू फाइव और वन। तो एक बार रीकैप कर लेते हैं, सबसे पहला टू फाइव वन, नेक्स्ट टू फाइव वन जो होगा वो होगा ये टू फाइव वन, सारे शेप्स आसपास वाले हैं देख सकते हैं आप, एक जो सेट में बना रहा हूं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं टू फाइव वन और फिर लास्ट जो कि होगा टू फाइव और फिर वन। तो देखा आपने कि चार जगह पे ये शेप्स आप यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप आसपास ही बजाएं इनको, अभी मैंने आपको दिखाया आसपास बजाने वाला एग्जांपल क्योंकि मैं चाह रहा था आपको वॉइस लीडिंग समझाना कि मतलब आप देख सकते हैं कि इन शेप्स में बहुत ज्यादा हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मूवमेंट क्रिएट करना, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप 251 प्ले करें और आप डिसेंड करें, मतलब 251 मतलब डी माइनर 7 जी 7 और फिर सी मेजर 7 इस डायरेक्शन में जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं डी माइनर 7 पे, यहां पे फॉर एग्जांपल डी माइनर 7, फिर जब जी 7 पे जाना और हमें लंबी लीप लेनी है तो हम जी 7 यहां पकड़ सकते हैं और फिर हम 1 पकड़ सकते हैं सबसे पहला वाला शेप जो हमने सी मेजर का पकड़ा था, सी मेजर 7 का, तो टू फाइव वन ऐसे भी हो सकता है, ये अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं असेंड करना तो असेंड भी कर सकते हैं हम, तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं डी माइनर 7 पे ये वाला, तो टू फाइव और वन, तो टू के लिए हमने यूज करा डी माइनर 7 का ये वाला शेप, फिर हम गए जी 7 पे और फिर हम आ गए सी मेजर 7 पे और फिर हम और ऊपर जा सकते हैं अगर हम चाहें तो, तो हम यहां पे थे वन पे, अब फिर से टू फाइव वन प्ले करना तो टू ये हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ये और फिर वन के लिए हम जा सकते हैं ये, जो हमारा फर्स्ट शेप यहां पे आया था वही सेम शेप यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में कॉर्ड्स को लेके जाना चाहते हैं, असेंड करना चाहते हैं या डिसेंड करना चाहते हैं या फिर एक ही जगह पे रह के सारी कॉर्ड्स को प्ले करना चाहते हैं, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि हम इन तीनों अप्रोचेस का अगर आप बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अपने शेप्स को कॉर्ड्स चेंज करते वक्त, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा असेंड कर रहे हैं डिसेंड कर रहे हैं या फिर मिक्स एंड मैच कर रहे हैं इन अप्रोचेस को, तो उन सबका इफेक्ट अलग आएगा। तो ये कहना गलत होगा कि हमेशा कॉर्ड्स को एक ही अप्रोच से प्ले करा जाए, आप कई सारे अप्रोचेस को मिला के प्ले करेंगे तो आपकी प्लेइंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो आज के लेसन में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। थैंक यू।